कुछ इस तरह की दिखती है और बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है वन प्लस नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास पैक मिलता है, जबकि इस तरफ आपको सैमसंग के N51 में प्लास्टिक बैक मिलता है। और अगेन प्लास्टिक बैक के मजे आप आराम से देख सकते हैं, जबकि ग्लास पैक के मजे आते हैं लेकिन उसको फिर भी साफ करना काफ़ी आसान रहता है। लेकिन ये गोरिल्ला ग्लास 5 का पैक है तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में वन प्लस नॉट ज़्यादा बेहतर आ जाता है। बात करें अगर एजिस तो एजिस में वन प्लस नॉट में भी प्लास्टिक है और यहाँ पे कौन सी प्लास्टिक है तो एजिस के मामले में दोनों इक्वल हैं। दोनों में भी आपको शाइनिंग मेटल जैसा करने वाला प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। और बात करें फ्रंट डिस्प्ले तो फ्रंट डिस्प्ले में अगेन नॉट आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलता है जबकि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिलता है। दोनों ही फोन में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए तो कंपैरेटिवली वन प्लस नॉट बेहतर आ जाता है। दोस्तों कितने सब कंपेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका वन प्लस नॉट से कंपैरेटिवली सैमसंग N51 थोड़ा मोटा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटा है, क्योंकि इसमें आपको डबल ऑलमोस्ट बैटरी मिल जाती है, ज़्यादा बैटरी मिल जाता है। ये पहला फोन है सैमसंग का जिसमें आपको 7000 mAh की बैटरी और काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है कंपेयर टू वन प्लस नॉट जिसमें तकरीबन आपको 4000 बेहतर लगता है ओवरऑल कलर ऑप्टिमाइजेशन में, ट्यूनिंग में, जबकि वन प्लस नॉट इज ऑल्सो प्रिटी गुड बट कलर्स उतने पंची नहीं होते हैं। और सैमसंग अगेन अपने फोन के अंदर ना सिर्फ अच्छे डिस्प्लेज लगाता है, उनको कहीं ना कहीं ट्यून भी अच्छे से करता है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा सैमसंग का डिस्प्ले। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग N51 में आपको फुल साइज कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कनेक्टिविटी में, जबकि वन प्लस नॉट में आपको एक फायदा जो सैमसंग के डिस्प्ले में आपको नहीं मिलता है जबकि आपको अच्छे कलर शायद दिख रहे होंगे वो ये है कि एक 60Hz का डिस्प्ले है तो यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, जबकि वन प्लस नॉट में आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है क्योंकि 90Hz का जो लेटेस्ट डिस्प्ले आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और दोस्तों बात करते हैं UI की तो UI के मामले में वन प्लस नॉट डेफिनेटली आगे निकल जाता है। हालांकि सैमसंग का कोर UI काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सैमसंग का वन UI नहीं है, सैमसंग का वन UI 4 है। तो फर्क ये होता है कि जो वन UI 4 होता है उसके अंदर आपको एड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिले वन UI 4 इसका मतलब कि सैमसंग के उस फोन में आपको ज़्यादा एड देखने को मिलेंगे और ब्लॉट वेट देखने को मिलेगा। और वो मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्लॉट वेट जो है आपको पुश किए जाते हैं यहाँ पे डिस्कवर फीचर को यूज़ करके, जबकि यहाँ पे कोई ब्लॉट वेट नहीं है। और UI एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया कैमरा मैंने देखे हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग आपको N51 में देता है, तो यहाँ पे फोटो बहुत अच्छे आ जाते हैं। अगर हम बात करें वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो वो आपको दोनों ही फोन मिल जाता है और सैम्पल भी आप देख लीजिए, दोनों में मैंने वीडियो स्टेबलाइज करके बनाया है तो आपके पास सैम्पल है, आप उसे जज कर सकते हैं। बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे डुअल कैमरा है, तो वन प्लस नॉट में आपको जो सेल्फी मिलती है वो थोड़ी सी वाइड एंगल एक बड़ी सेल्फी मिलती है जिसमें
थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छे से दिखता है, जबकि यहाँ पर इस सैमसंग की सेल्फी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है कंपेयर टू OnePlus की सेल्फी। OnePlus Nord में आपको Snapdragon 765G मिल जाता है, जबकि सैमसंग के फोन में आपको 730G मिलता है, और परफॉर्मेंस स्कोर में आप खुद देख सकते हैं। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाता है,